Online classes from pre-nursery to class 12. 50% discount on girls' fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा कि लोकल को वोकल कीजिए और आत्मनिर्भर भारत बनाइए। उसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं दौराई गांव में। दौराई गांव में कुछ युवाओं ने मिलकर एक ऐसी ऐप तैयार की है जिस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो फिर आपको चोर का भी पता चल जाएगा और किस जगह आपका मोबाइल है उसकी भी जानकारी चल जाएगी। तो बातचीत करते हैं हम किस तरीके से ये ऐप का निर्माण किया गया है, ये ऐप किस तरीके से काम करती है और आखिरकार मोबाइल चोरी करने वाले चोर को पकड़ा कैसे जाएगा। सबसे पहले आप ये बताइए आपका नाम क्या है और ये ऐप का नाम क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। जी सर, मेरा नाम धर्मेंद्र अग्रवाल है और हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका नाम है माई साथी। माई साथी एप्लीकेशन आपकी दो तरीके से काम करती है, एक तो थेफ्ट प्रोटेक्शन और एक वुमेन सेफ्टी के लिए हमने पैनिक वो भी दे रखा है इसमें। तो थेफ्ट प्रोटेक्शन में हमारे मोबाइल का जो फीचर्स है वो ये है कि आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है या कहीं गिर जाता है, गुम हो जाता है, उस एवज के अंदर आप अपने फ़ोन की लोकेशन, वर्तमान लोकेशन, चोरी करने वाले व्यक्ति की आगे और पीछे के कैमरे की फ़ोटो आप खींच सकते हैं। हाथों हाथ वर्तमान की उसके हाथ में फ़ोन है, वो फ़ोटो आपके पास में आ जाएगी। इसी के साथ के अंदर जितने कॉन्टेक्ट आपके नंबर हैं उनका सबका बैकअप आप ले सकते हैं। इसमें आप अपना लॉक पासवर्ड भी बैठे बैठे कहीं से भी चेंज कर सकते हैं, किसी ब्राउज़र में, लैपटॉप पर बैठ के, पीसी पे बैठ के या किसी अदर मोबाइल से आप अपने मोबाइल चोरी होने के बाद में उसका लॉक पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और वुमेन सेफ्टी के हिसाब से हमने इसके अंदर एक पैनिक बटन दिया है जो एमरजेंसी के समय पर एक बटन दबाएगी और अपने परिवार के 5 जनों के पास में फ़ोटो, वीडियो, मैं लोकेशन उनके पास में पहुंच जाएगी कि कहाँ घटना हो रही है, कहाँ क्या चीज़ है, लोकेशन परमिट अपडेट होगी। इस तरीके हमने कई फीचर्स इसके अंदर दिए और ये प्ले स्टोर पर हमारे एप्लीकेशन मौजूद है, आप इसको एक बार यूज़ करें। मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है, इसी में किसी प्रकार का कोई डाटा आपका इधर उधर नहीं होता है, सब सुरक्षित है, आपके नंबर सुरक्षित है। ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया और कितने लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया? इसमें मैं और मेरा जो मित्र है हम 2 जनों ने इसको मिलकर चालू करा है और ये जहन में हमारे यूँ आया था कि जितने भी आज तक के मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनमें लोकेशन ही आती है, तो हमने लोकेशन और वो लोकेशन पर पहुँच के मतलब प्राप्त भी नहीं हो पाता मोबाइल, हमने इसके अंदर लोकेशन के अलावा जो फ़ोटो वीडियो का जो वो दिया है वो इसीलिए दिया है। अब हमारे इसके अंदर एक फीचर्स और है कि लोकेशन पर हम पहुँच भी जाते हैं और हमारा मोबाइल साइलेंट है या वाइब्रेट मोड पर किया हुआ है किसी ने, तो हम उस के साइलेंट मोड में भी सायरन बजा सकते हैं और सायरन तेज गति में बजेगा और जब तक अपन बंद नहीं करेंगे सामने वाला उसको बंद भी नहीं कर सकता है। ये फीचर्स भी हमने इसमें सायरन का दे रखा है। वीडियो और फोटो जो होती है वो एक ही तरफ के कैमरे से आती है या फ्रंट और रियर दोनों तरह के कैमरे? फ्रंट और रियर में 30 सेकंड की वीडियो फ्रंट की बनेगी, 30 सेकंड की वीडियो रियर की बनेगी और फोटो भी आगे और पीछे दोनों कैमरे के अंदर। हिंदुस्तान की पहली एप्लीकेशन है जो किल स्थिति में काम करेगी, इस स्थिति के अंदर फोटो वीडियो बनेगी। भले ही मोबाइल में आप लॉक हो मोबाइल तो भी वीडियो और फोटो और सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि कब उसकी फ़ोटो खींची है और फोटो आ गई। इस ऐप की आपने कोई प्राइस निर्धारित की है क्या? डाउनलोड करने पे कोई राशि का भुगतान ग्राहकों को करना है? इसमें 200 रुपये हमने लाइफ टाइम के रखे हैं, उस नंबर पे जो जिस नंबर को वो रजिस्टर्ड करेंगे वो नंबर 200 रुपये में परमानेंट के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा और एक रेफर सुविधा हमने अलग दी है। अगर वो कस्टमर जैसे ही अकाउंट बनाएगा उसका एक रेफरल कोड बनाने के बाद तुरंत आ जाएगा, उस रेफरल कोड से वो प्रत्येक जिनको भी बनाएगा नए व्यक्ति को जोड़ता है और माई साथी के बारे में बताता है तो उस पर 100 रुपीज़ उनके जो भी आईडी है उस पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यानी कि अगर मैं ऐप को किसी और को कहता हूँ कि वो इंस्टॉल करे, रेफरल कोड बताता हूँ तो उससे मुझे आमदनी भी, बिल्कुल आमदनी भी होगी। हमने इसीलिए दिया है कि लॉकडाउन का समय भी चल रहा है तो एक आमदनी भी जरिया हो जाए, घर बैठे आदमी उसमें 2 पैसे कमा सके और 200 रुपये इसकी चार्जेस रखिए, 2 बार बनाते ही आदमी की एप्लीकेशन लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाती है। चलिए लोकल को वोकल करने की जो कड़ी है उसमें हम आपको बताते हैं कि ये पूरी ऐप आखिरकार किस तरीके से काम करती है, वो आप ये डेमो आप देखिए है माई साथी। इसमें अब जैसे भैया का मोबाइल अपन मानते चोरी हो गया तो अब इस किसी भी गूगल क्रोम के अंदर या यूसी ब्राउज़र जो भी है उसमें, अब जैसे ये गूगल क्रोम है, हम इसमें खोलते हैं, खोलने के बाद में हमारी वेबसाइट डाल देते हैं इसमें से माई साथी SATHI डालने के बाद में
ये वेबसाइट खुल जाएगी अपनी वेबसाइट, इसमें यूज़र लॉगिन का बटन दिया हुआ है। जो भी ग्राहक है उसको सबसे पहले mysathiapp.com खोलना है, उसके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर कहीं खो गया मोबाइल तो किसी भी ब्राउजर पे जाके वो mysathiapp.com करे और उसका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको लॉगिन करे। जैसे ये यूज़र लॉगिन का बटन दबाते ही जैसे मैं भैया का मोबाइल नंबर डालता हूँ 7737868566 माय साथी 19 माय साथी रवि ये 19 भी है। ये मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, इसको डालते ही लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही पेज खुलेगा, इसमें कैप्चर इमेज, गेट लोकेशन, प्ले सायरन, लॉक फोन और कॉन्टैक्ट बैकअप, ये 5 फीचर्स हमने इसमें दिए हैं। इसके अलावा ये कोई भी व्यक्ति चोरी करने वाला जब भी 2 बार गलत पिन या पासवर्ड आप इस मोबाइल में लगा देगा तो ये थेफ्ट हिस्ट्री में आके सेव हो जाएगा। ये देखिए डेट और टाइम समय फिक्स होगा, कितने बजे दबाया था, उसकी लोकेशन आ जाएगी, उसकी इमेज आ जाएगी और उसको बार बार अगर नहीं छेड़ा तो उसकी वीडियो भी आ जाएगी। इसी प्रकार पैनिक बटन अगर जितनी बार दबाया हुआ तो पैनिक बटन की भी हिस्ट्री आ जाएगी। अब मैं आपको सायरन बजा के देखिए, आप डेमो करके दिखा रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए मोबाइल खो जाता है, मान लीजिए कि ये मोबाइल है, इसी मोबाइल पे हम काम कर रहे हैं और ये मोबाइल अगर खो जाता है तो देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले दिखाएंगे कि देखिए प्ले सायरन कर दिया है, ये मोबाइल पूरी तरीके से लॉक है। आप इसको वाइब्रेट पे भी और कर सकते हैं, अगर इसको साइलेंट या वाइब्रेट भी कर देते हैं तो भी इसका सायरन बजेगा। देखिए आप ये इस तरीके से सायरन बजता है और इस सायरन को आप किसी तरीके से बंद भी नहीं करते हैं, कर सकते हैं। आप अगर कुछ भी डालते हैं तो इस दौरान ये स्टॉप भी यहीं से ही होगा। ये स्टॉप, ये जो सायरन है ये भी स्टॉप खुद जो ग्राहक है वो ही कर पाएगा। हाँ, जिसका फ़ोन है वो ही कर पाएगा। अब मैं आपकी इसमें इमेज लेता हूँ, आपका ये ब्लर बिल्कुल ब्लैक है, इसको खोलेगा देखिए स्क्रीन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैक है और जो ग्राहक है जिसका मोबाइल है, यूज़र आईडी, लॉगिन, जो पासवर्ड है, तो एक ये तस्वीर फ्रंट कैमरे से और एक तस्वीर रियर कैमरे से आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगी। ये मैंने फ्रंट कैमरा के दबा दिया, कुछ ही सेकंड्स में ये वीडियो यहाँ फोटोज टॉप आ जाएगी इसकी। ये जानकारी कितने लोगों तक पहुँच जाती है कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है? कुछ 5 नंबर आपने बताए कि 5 नंबरों को हम डाल सकते हैं नंबर पे। ये फोन चोरी होते ही सामने वाला व्यक्ति ने अगर 2 बार इसमें गलत पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालते ही और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय एक ऑल्टरनेट नंबर देते हैं, उस ऑल्टरनेट नंबर पे मैसेज आ जाता है कि आपके फ़ोन में मतलब गलत पासवर्ड डाला गया है। अगर वो व्यक्ति आपकी सिम निकाल के और खुद की सिम लगाता है तो उस सिम के नंबर भी आ जाएंगे ऑल्टरनेट नंबर पे कि ये सिम में डाली गई है आपके फ़ोन में, रीस्टार्ट हुआ है। देखिए क्या फ़ोटो आ गई है, बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि जो फ़ोटो है और लोकेशन दोनों चीज़ें इसमें आती है। और देखिए जब मैं मोबाइल को उपयोग कर रहा था तो उसी दौरान ये फ़ोटो डायरेक्ट आ चुकी है यहाँ पर, सीधा जो डैशबोर्ड है ग्राहक का जिनका ये मोबाइल है उनके डैशबोर्ड के ऊपर सीधे खींच सकते हैं। सायरन में जा सकते हैं, गेट लोकेशन लेनी है, गेट लाइव लोकेशन, ये वर्तमान लोकेशन में 25/5, तो ये वर्तमान लोकेशन भी इसमें आ जाती है साथ में डेट टाइम के साथ में और उसके साथ में लोकेशन जो है वो एग्जैक्टली लोकेशन भी दिखा देता है। इस ऐप को जो सबसे खास बात है, माई साथी जो ऐप इन्होंने तैयार की है उसको हमने जब बहुत बारीकी से समझा है, देखा है, तो एक बात इसमें हमको नज़र आती है कि अगर कहीं पर भी आप किसी हादसे का भी शिकार हो जाते हैं, आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हम जिसको फ़ोन लगाते हैं लगता नहीं है, हम पुलिस को लगाते हैं लगता नहीं है, तो इसी ऐप के ऊपर जो पैनिक बटन है अगर हम उसका भी उपयोग करते हैं तो अपने 5 जो अल्टरनेटिव नंबर हमने दिए होते हैं उन 5 नंबरों पर एक इमरजेंसी मैसेज चला जाता है जिससे आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली टेक्स्ट मैसेज उनके मोबाइल पर पहुँच जाता है और उससे ये समझ में आ जाता है कि जो शख्स है वो किसी ना किसी परेशानी में है। तो लोकल को वोकल कीजिए और माई साथी जो ऐप है इस ऐप को जितना हम समझ पाए हमें लगा है कि ये बहुत आपके लिए काम की ऐप है। मोबाइल चोरी हो जाए या फिर आप किसी संकट में फंसे हों या फिर आपकी बहनें, आपकी पत्नी, कोई भी महिला किसी प्रकार की परेशानी में है तो इस पैनिक बटन का उपयोग इस ऐप के ज़रिए कर कहीं किसी ना किसी बड़ी घटना से, बड़ी मुसीबत से वो बच सकती हैं।
कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एनडीटीवी इंडिया, दौरई। जैसा कि आप जानते हैं कि सब कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसी कहावत को सही साबित करते हुए मैंने माई साथी ऐप डाउनलोड किया है। उसके बाद जोक संजोक से मेरा फ़ोन खो गया था कुछ दिनों बाद ही, जब मैंने मेरा आईडी पासवर्ड मुझे पता था और जो इसको बनाने वाले हैं धर्मेंद्र जी अग्रवाल, मैंने उनसे संपर्क किया क्योंकि मुझे उस टाइम समझ नहीं थी किसको इसको कैसे यूज़ करूँ मैं। अब बहुत इजी है, मैं समझ सकता हूँ, तो उनसे जाके पूछा तो उन्होंने आईडी पासवर्ड लगाया। उन्होंने तुरंत एक घंटे बाद ही बता दिया मुझे कि आपका फ़ोन कहाँ पर है, आपके फ़ोन की लोकेशन कहाँ पर है और आपके फ़ोन किसके पास रखा हुआ है। जब मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन, नाम लेना उचित नहीं है, जिनके पास भी था, जब उनकी फ़ोटो मुझे पता चल गई तो मुझे पुलिस स्टेशन और कहीं भी जाकर के कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि मेरा फ़ोन आपके पास है, उन्होंने मुझे मना किया। मैं उनके घर पे गया हूँ, भैया ने मुझे एक ऑप्शन और बताया कि आपके अगर फ़ोन की लोकेशन आपको पता चल गई, उसकी फ़ोटो पता चल गई है, कई बार रिश्तों को बचाने के लिए आप डायरेक्ट किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरा फ़ोन आपके पास है या ऐसा कुछ, आप जाकर के उनके पास में इस फ़ोन के फ़ीचर्स को, सबसे बेहतरीन फ़ीचर्स में से एक है इस ऐप का, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने वहाँ जाके उनके घर पे सायरन बजाया, वो सब दंग रह गए कि यहाँ पर सायरन बज क्यों रहा है, किस चीज़ का बज रहा है। तो मैंने बड़े प्यार से उनको बताया कि ये मेरा फ़ोन है जो बज रहा है और आपके वहाँ पर घर में रखा हुआ है, तब जा करके मैं लेके आया हूँ। और इस ऐप को, ये बहुत सुरक्षित ऐप है, लोकल ऐप है, मैं सभी एमटीटीवी इंडिया के दर्शकों को, एमटीटीवी इंडिया के माध्यम से सबको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब भी इस ऐप को डाउनलोड करें, आप इसको एक्टिव करें और यूज़ करें। कहीं ना कहीं हमें यूँ लगता है कि यार अपना फ़ोन क्यों खोएगा, लेकिन जब खोएगा तब आपको महसूस होगा कि अगर मेरे फ़ोन में माई साथी ऐप होता तो आज मेरा 20,000-30,000 का जितना महंगा फ़ोन होता है वो मेरे पास वापस आ जाता है।